गाइस, आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी मटेरियल को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अगर डाउनलोड करें तो मटेरियल हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, आप यहाँ से जाकर आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है, आप क्लिक करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लिक कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे मटेरियल, मेरे पास यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ पे, आपको देखेगा ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखो ये देखा है ये लो, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का मैंने प्रोसेस बता रखा है, ये दो से तीन चीज़ें आपको यहाँ पे देखने वाली हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कॉपी कर रखा है। यहाँ पे सब्सटेंस में आते हैं, यहाँ पे एडिट में गए, अब देखो यहाँ पे एडिट में सेटिंग एंड यहाँ पे लाइब्रेरी यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐड ऑन करना है तो मैं पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, जैसे मैंने कहा। ठीक है, SUB सब अंडरस्कोर MAT मैट। ठीक है, सब्सटेंस मटेरियल मैंने दिया, पाथ पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट पे मैंने यहाँ पे सेम नाम का फोल्डर बना लिया। ठीक है, SUB सब अंडरस्कोर MAT मैट। ठीक है, अगर मैंने अब फोल्डर बनाया है तो यहाँ पे क्या ये पाथ मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर, ओके। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये मेरे पास माई डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में देखो मैंने फोल्डर बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, मेरे पास फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे जब दिख रहा है पाथ। ठीक है, अभी इसको मैं प्लस करता हूँ, प्लस करते हैं यहाँ पर आ गया। ओके, प्लस करते हैं, आप यहाँ पर क्रॉस चेक करोगे तो देन यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ कि नहीं। वैसे तो सब फोल्डर बन जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर मटेरियल पेस्ट कर दो। ओके, डन, ओके, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे आपको देखेगा सब मटेरियल, क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो जो भी आपका यहाँ पे मटेरियल था वो मटेरियल मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्या फाइल पे गए, ओपन सैम्पल फाइल मैंने ओपन किया, मीट पे गए है ना, मीट मैट करके, अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से कोई भी मटेरियल को मुझे क्लिक एंड ड्रैग करना है, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग। थोड़ा हैवी होता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं यहाँ से मैं मटेरियल मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो इसको भी देखना पे, तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी करके अगर ऐड ऑन कर देते हो आप यहाँ पे, जैसे माई डॉक्यूमेंट में। ठीक है, एंड SUB सब एंड मैट। ठीक है, यहाँ पे देखें आप ऑटोमेटिक सब आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको मटेरियल के अंदर डालोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे मटेरियल में डालें, किस में मिल डालें वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी बाहर में डालोगे तो भी आपका काम हो जाएगा कि चीज़ें कैसी हैं। तो आप यहाँ पे सारा प्रोसेस यहाँ पे बना के दे रखा है, आप यहाँ पे जाके सिंपल सा पार्ट जाते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो XYZ मैंने पहले बना रखा है वहाँ पे, ऐसा कुछ है, और सब मटेरियल है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जाके फिर से एक बार एडिट में आके मैनेज करना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। लेकिन जब आप वापस ओपन करोगे तो ये नहीं होगा, आपको रीस्टार्ट करके फिर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्टिव नहीं दिख रहा, तो आपको जब आप काम करने वाले तो आप यहाँ पे गए, न्यू कर दिया। ठीक है, या ओपन सैम्पल फाइल, डिस्कार्ड। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पे लिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों देखो, मेरे से यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखने की नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे येलो पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देखो, इसके अंदर आपको बस चीज़ें ऐड ऑन करके देखेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है कि नहीं है। हाँ, तो हैवी है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। देख रहे हैं अभी ये आपके एक एक मटेरियल 120, 130, ऐसे 40 MB के हैं। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे मिल रहा है, अलग अलग चीज़ आप यहाँ पे उठा के डाल सकते हो। देख रहे हैं अभी, तो आप यहाँ पे चेक देखो, आपकी फाइल बहुत हैवी हो गई है। तो इस तरीके से आप मटेरियल लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर सकते हो।